Hello friends, welcome back to my channel. I am Sukhmani Kaur Sodhi, I'm a numerologist, a tarot consultant and a life designer. तो आज हम बात करेंगे आपके सक्सेस नंबर की. क्या आपका सक्सेस नंबर है? क्या ऐसा नंबर है जिसके पीछे आपकी सक्सेस छुपी हुई है? वो आपको क्या लेसन बता रहा है? क्या आपको लाइफ में करना चाहिए? आपको सक्सेस नंबर से पता चलेगा जिससे कि आपकी लाइफ में जो भी हर्डल्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो काम रुक जाते हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, वो कैसे पता चलेगा? कैसे सक्सेस मिलेगी? क्या सक्सेस नंबर है जिससे कि हम विल बी एबल टू फाइंड आउट कि हाँ, ये सक्सेस नंबर है और इसके पीछे हमारा ये लेसन है, हमको ये करना चाहिए. ये चीज़ें हम लाइफ में करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे. तो आज हम इस वीडियो में उस सक्सेस नंबर की बात करेंगे. कैसे हम उस सक्सेस नंबर को निकालेंगे, क्या उसका तरीका है सक्सेस नंबर को निकालने का, और उसके पीछे क्या लेसन है, कैसे हमें सक्सेस मिलेगी, कैसे मिल पाएगी, आज हम वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. राइट. तो उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करना ना भूलें. और अगर आप मुझसे पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहते हैं गाइज, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मैंशन होती हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अब हमको हमारा सक्सेस नंबर कैसे पता चलेगा? ठीक है, देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर आपका 15 अगस्त 1990 में अगर आपका ये डेट ऑफ बर्थ है, राइट, तो 15 को प्लस किया हमने, 6 आ गया, 8 को अगस्त 8 हो गया, और इस पूरे को 1990 को करा तो 19 आ गया, राइट, हमारे पास 19 आ गया. अब हम इस टोटल, पूरा इसको टोटल कर लेंगे, ये देख पा रहे हैं आप, इसको हम पूरा टोटल कर लेंगे, 6 आ जाएगा हमारे पास. 24 को प्लस किया, 24 आया, 24 को प्लस किया, 6 आ गया, राइट. उसके बाद हमने क्या करना है, हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है 15 था, 6 पे आ गया, 6 में से हम अपने डेस्टिनी को माइनस करेंगे. मतलब कि जो हमारा, जिस डेट पे हमारा बर्थडे आता है, ठीक है, 15 को आता है, फिर से किसी का 23 को आता है, ठीक है, 23 मतलब 5 हो गया, 5 में से हम टोटल जो पूरा सबको प्लस करके आता है उसको हम माइनस कर देंगे. तो इसका क्या फॉर्मूला होता है कि हमने अपने रूट नंबर में से, जो कि हमारा पहला नंबर है, रूट नंबर में से हमने माइनस करना है डेस्टिनी को, डेस्टिनी नंबर को हमने माइनस करना है, ये हमारा सक्सेस नंबर होगा. रूट नंबर माइनस डेस्टिनी नंबर हमारा सक्सेस नंबर होगा. तो इसमें हमारा 6 था रूट नंबर, 6 माइनस हमारा डेस्टिनी का भी 6 आया, तो 6, समझ गए आप, तो हमारा टोटल 0 आ गया. किसी का 1 आएगा, किसी का 2 आएगा, 3, 4, 5 कोई भी नंबर आ सकता है, 9 तक किसी का 0 भी आ सकता है. तो अब जो नंबर आएगा उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. अगर आपका 0 आया है, 1 आया है, 2 आया है, उसके पीछे क्या लेसन है, क्या सक्सेस का आपका नंबर है और क्या सीक्रेट है, वो इसमें वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. आपको समझ आ गया? जो भी आपका नंबर है, रूट नंबर है, 6 तारीख को अगर आप पैदा हुए हैं, 6 में से हम माइनस करेंगे जो पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल आ रहा है उस नंबर को, राइट, तो वो हमारा सक्सेस नंबर होगा. अगर आपका सक्सेस नंबर 0 आ रहा है, ठीक है, अगर आपका 0 आ रहा है तो उसके पीछे सक्सेस आपको कैसे मिलेगी? अगर 0 आ रहा है तो आपका सक्सेस का ये सीक्रेट है कि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर, आप ये चीज़ समझ जाएं, आपकी लाइफ में आप जो करेंगे आपको वो मिलेगा, ठीक है. आपको अपने कर्मों पे बहुत ध्यान रखना है, आप कैसे कर्म कर रहे हैं, जो आप बीजेंगे वही आपको मिलेगा लाइफ में. तो आप अपने कर्म बहुत बहुत सोच के करें, किसी को हर्ट ना करें, जो भी चीज़ें करें बहुत ध्यान से, बहुत सोच के करें, अपने कर्मों का बहुत ध्यान रखें. कहीं ना कहीं हो सकता है आप में ईगो आ जाती है, वो प्राउड आ जाता है, वो अहंकार आ जाता है. अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ उस पर भी चेक रखें. और ये चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ से हटाएंगे गाइस, तो मुझे लगता है आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाएगी. ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी लाइफ में जो आप पा नहीं पाएंगे,
राइट। तो जीरो अगर आपका आ रहा है टोटल, तो आपको अहंकार देखना है। अगर आप में कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है, या कहीं ना कहीं आपके कर्म पे आपने ध्यान रखना है कि अगर आप कर्म अच्छे करते रहेंगे तो लाइफ में सक्सेस आपको मिलती रहेगी। अब हम बात करते हैं जिनका माइनस करने के बाद एक आ रहा है, ठीक है। अगर एक आ रहा है तो आपको ये देखना है कि कहीं ना कहीं आप डिपेंडेंट नहीं, मतलब डिपेंडेंट होंगे आप, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे आप। इंडिपेंडेंट होना आपको पड़ेगा अगर आपको लाइफ में सक्सेस पानी है तो। अगर आपका नंबर एक आ रहा है तो आप इंडिपेंडेंट हो। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है आप में, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पाया गया है। नंबर एक अगर आपका आ रहा है तो प्लीज़ अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करें। जितने आप कॉन्फिडेंट होंगे उतनी आपको सक्सेस मिलेगी। अपने ऊपर डिपेंडेंट हो आप, ये ना देखें आप किसी थर्ड पार्टी पे या किसी और बंदे पे डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होना सीखें, कॉन्फिडेंट होना सीखें। और तीसरी चीज़ कि आप डिसीजन मेकिंग में बहुत वीक हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम का जो कारण है वो यही है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते, आप इंडिपेंडेंट नहीं है कहीं ना कहीं, और आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। तो आप इन चीज़ों पे वर्क करें, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। अगर हम नंबर दो की बात करें, अगर आपका नंबर दो आ रहा है, अगर आपका नंबर दो आ रहा है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने सबको अपने साथ लेकर चलना है। अगर आप अपने साथ सबको लेकर नहीं चलेंगे, वो हार्मनी नहीं क्रिएट करेंगे, तो प्रॉब्लम आपको आएगी। आप अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वंस को अपने साथ लेकर चलें, रिश्तों की कदर करें। कहीं ना कहीं आप रिश्तों की थोड़ी कदर नहीं करते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि आपको रिश्तों की कदर करनी पड़ेगी। अगर आपको सक्सेस लाइफ में चाहिए, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। आप कंफ्यूज्ड रहते हैं, कहीं ना कहीं अपनी कंफ्यूजन को हटाएं। स्टेबिलिटी नहीं है आपके अंदर, स्टेबल लाइफ आपकी नहीं रहती है। वो इसी वजह से नहीं रहती है क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हैं। पहली चीज़, फैमिली को, लव्ड वंस को अपने साथ लेके नहीं चलते, रिश्तों की कदर नहीं करते, जो मन में आए किसी को कह देते हैं, इमोशनली इतने सेंसिटिव नहीं हैं आप। अगर आपका नंबर तीन आ रहा है, ठीक है, अगर जैसे आपका छः है रूट नंबर, जिस तारीख को पैदा हुए वो छः है, माइनस अगर आपका डेस्टिनी तीन है, ठीक है, उन दोनों को माइनस करके तीन आ रहा है, राइट। तो तीन है अगर आपका नंबर, सक्सेस नंबर, तो आपको लोगों से मिलना पड़ेगा। अगर आपको सोसाइटी में वो नेम चाहिए, वो रिकग्निशन चाहिए, तो आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, उनके साथ आपको हेल्प करना पड़ेगा, उनको, अपनी फैमिली को हेल्प करना पड़ेगा। आप आउटगोइंग नहीं हैं इतने, आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि आप इतने ज़्यादा आउटगोइंग नहीं हैं, एक्सट्रोवर्ट नहीं हैं, अपने में रहना थोड़ा पसंद करते हैं, इतने मिलनसार नहीं हैं, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इस चीज़ में। बट आप जितना ज़्यादा लोगों को हेल्प करेंगे, सोसाइटी में जाके अपने अपने परिवार को हेल्प करेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, उतना ही आपको सक्सेस मिलती रहेगी क्योंकि लोग आपको समझ पाएंगे। आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, लोग आपको देख पाएंगे, उस चीज़ को समझ पाएंगे, और आपको इससे सक्सेस ज़रूर मिलेगी, राइट। अब मैं बात करती हूँ जिनका नंबर चार आ रहा है। अगर आपका नंबर चार आ रहा है गाइस, तो ये आप चीज़ समझें कि आप फोकस नहीं रहते, आप फोकस नहीं हैं। अपने गोल्स को सेट करें, फोकस्ड रहें लाइफ में, जो गोल सेट कर रहे हैं उसको कोशिश करें, पूरा करें, क्योंकि फोकस नहीं है तो गोल भी पूरे नहीं होते हैं, ठीक है। प्लानिंग से चलें, जितनी प्लानिंग से चलेंगे उतनी सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल अच्छे प्लानर्स नहीं होंगे आप लोग, तो आप प्लीज़ ये देखें कि आप अच्छे से प्लान करें, जो भी काम करना है उसका थोड़ा सा पहले सोच लें किस तरीके से प्लानिंग उसकी करके फिर उस काम को करें, ठीक है। और चार नंबर अगर आपका आ रहा है तो ये चीज़ भी है कि आप डिसिप्लिन कहीं ना कहीं लाइफ नहीं जीते हैं। डिसिप्लिन आप लेकर आएं, डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ गया और आप फोकस्ड हो गए, प्लानिंग से चलेंगे, तो बहुत सक्सेस आपको मिलेगी। अब मैं बात करती हूँ जिनका नंबर पाँच आ रहा है। अगर आपका नंबर पाँच आ रहा है, सक्सेस नंबर अगर आपका पाँच है, तो आपको क्या करना है,
आपको कम्युनिकेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, आपने अपने आप को अपने थॉट्स जो मन में चल रहे हैं वो बताना है, क्योंकि आप देखा गया है कि आपका बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड होंगे। अगर आपका नंबर 5 आ रहा है तो आपको लोग इतना समझ नहीं पाते होंगे कि आपके मन में कुछ चल रहा है। कभी कभी आपके एक्शन से या आपकी कुछ चीज़ों से लोगों को लगता होगा आप जो सोच रहे हैं उससे बिल्कुल उलट। तो आप एक्सप्रेस करें अपने आप को, वो कम्युनिकेशन गैप जो आप क्रिएट करते हैं वो उसको हटाएं। जितना आप अपने आप को बताएंगे और आपको जितनी आपको फ्रीडम पसंद है उतनी सामने वाले को भी पसंद है, तो आप उनको भी उतनी ही फ्रीडम दें, ठीक है। और ये देखिए अपनी फ्रीडम का गलत फ़ायदा ना उठाएं, जो भी आपको फ्रीडम मिली है। और अगर आपका नंबर 5 आ रहा है तो अपने आप को जितना एक्सप्रेस करेंगे उतना ही अच्छा आप लोगों को बताएं आपके मन में आपका क्या विचार चल रहे हैं, और डिस्कस करें अपने अंदर जो आपकी चीज़ें छुपी हुई हैं, दबी हुई हैं, आप अंदर बाहर निकालने से डरते हैं उस चीज़ को, वो हटाएं और अपने अंदर से चीज़ों को बाहर निकालें, तो लोग समझ पाएंगे कि सच में ऐसा है ये इंसान जिससे आपकी लाइफ में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो नंबर 5 आ रहा है तो आपको ये करना है। अगर अब आपके पास नंबर 6 आया है, नंबर 6 आपका सक्सेस नंबर आया है, तो आप ये चीज़ को सोचें और इसको मान के चलें कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं लेते। कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं और रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, बट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे आप लाइफ में सक्सेस नहीं पा पाएंगे। अपने फैमिली के टुवर्ड्स थोड़े केयरिंग हो, थोड़े इमोशनली भी सोचें लाइफ में, तो वो आपको, अब जितना ऐसा करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। थोड़े रिस्पॉन्सिबल बने, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, राइट, चाहे वो फैमिली के लिए हो या सोसाइटी के लिए हो, बट आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और आपको लेनी ही पड़ेगी। जब तक आप नहीं लेंगे आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी। तो अगर नंबर 6 आ रहा है थोड़े रिस्पॉन्सिबल बने, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना भागें, यही आपका सक्सेस का सीक्रेट है, राइट। अब हम बात करते हैं नंबर 7 की। अगर आपका नंबर 7 आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी इंट्यूटिव पावर्स को एनहांस करना है। कहीं ना कहीं आप भगवान में इतना बिलीव नहीं करते या भगवान को इतना टाइम नहीं दे पाते कि आप उनसे कनेक्ट कर पाए, तो आप भगवान में विश्वास करें। आप जितना भगवान में विश्वास करेंगे आपको समझ आएगा कि हाँ ये कनेक्शन ऐसे नहीं, ऐसे हो रहा था, ये चीज़ ऐसे कनेक्ट हो रही थी। तो कहीं ना कहीं जो एक लैक ऑफ ट्रस्ट बिलीव है एक गॉड के अंदर, वो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि यू गाइज डोंट बिलीव इन गॉड, स्पिरिचुअल एनर्जीज़ में, कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज़ में आप बिलीव नहीं करते हैं, तो वो आपको करना पड़ेगा। उससे आपकी इंट्यूटिव पावर्स भी इन्हांस होंगी, जिससे कि लाइफ में आप जो आपके आगे आने वाला है आप उसको देख पाएंगे। और जो आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन रहती है, हमेशा इतने कन्फ्यूज रहते हैं, जो धोखे मिलते हैं आपको, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसके साथ दिल लगाते हैं उससे प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ से राहत मिलेगी, राइट। अब हम बात करते हैं नंबर 8 की। अगर आपका 8 नंबर आ रहा है, सक्सेस नंबर 8 आया है, तो आपको क्या करना है, आप जो है सिर्फ और सिर्फ पैसे को लेकर, पैसे की प्रॉब्लम को लेकर सोचते रहते हैं, कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, पर ये चीज़ समझे, पैसा सब कुछ नहीं है, एक छोटी सी चीज़ ही है पैसा, सब कुछ नहीं होता, कि इतना बड़ी चीज़ नहीं है कि आप अपनी पूरी लाइफ उसके आसपास ही घुमाने लगे, ठीक है। तो ठीक है, ज़रूरी है पैसा, पर इतना भी ज़रूरी नहीं होता कि सब कुछ ही पैसा होता है। आप उससे थोड़ा बाहर निकलें, सिर्फ पैसे के बारे में ही ना सोचते रहें, छोड़ दें उसको भगवान पे। इतना मटीरियलिस्टिक ना हो लाइफ में, या तो मटेरियल गेन्स के बारे में आप सोचते रहते हैं या पैसे को लेकर आप सोचते रहते हैं, जो है उसको एक्सेप्ट करें। इतना ज़्यादा पैसे को लेकर ना सोचें, आप जितना इस चीज़ को अवॉइड करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, और आपका सक्सेस आपको ऐसे ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं नंबर 9। अगर आपका नंबर 9 आ रहा है तो आपको अपने अंदर ह्यूमैनिटी लेकर आने की बहुत ज़रूरत है। आपके अंदर कहीं ना कहीं मानवता नहीं है, आप लोगों के प्रति इतने काइंड नहीं है,
ठीक है, और आपके अंदर एक्शंस करने की हिम्मत नहीं है, कहीं ना कहीं आप सोचते हैं बट इतनी वो जील नहीं है आपके अंदर कि आप उन चीज़ को, उन थॉट्स को एक्शंस में बदल पाएँ, सिर्फ सोचते रहते हैं और कर नहीं पाते, तो चीज़ों को करना शुरू करें, एक्शंस करना शुरू करें और थोड़ा सा लाइफ में अपनी सोसाइटी की तरफ, अपने लव्ड वंस की तरफ थोड़ा सा काइंड हो, ह्यूमैनिटी अपने अंदर लानी ज़रूरी है, चैरिटी करें, ठीक है, अकेलेपन में लाइफ ना बिताएं, कहीं ना कहीं अकेले आपको अकेलापन लगता है, अकेले आप में बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है आप में, बट कहीं ना कहीं आप उसको ऐसा आपको लगता है, शायद आपको इतनी प्रॉब्लम्स लाइफ में मिली हैं कि आपको लगता है कि नहीं मैं अकेला ही ठीक हूँ, तो आप अपनी इस नॉलेज को बाहर लेकर आएँ और कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप ह्यूमैनिटी अपनी लाइफ में, ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड जितना रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो गाइज ये थी कुछ चीज़ें, कुछ बातें जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, कुछ सीक्रेट टिप्स जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको आपको लगता है इन टिप्स की ज़रूरत है, उनके साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और अगर आप मुझसे पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।